तो दोस्तों, कार वर्सल पे स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है हर्ष बब्बर और ये एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे MG की मैक्सेस D90 के बारे में, जो कि MG की एक नई एक 7 सीटर एक फुल साइज SUV है, जो कि इंडिया में कुछ ही महीनों में लॉन्च होगी। और इंडिया में लॉन्च के बाद ये गाड़ी इंडिया में टोयोटा की फॉर्चुनर के साथ और फोर्ड की एंडेवर के साथ राइवल करेगी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 30-35 लाख के प्राइस में गाड़ी आपको 70-80 लाख की गाड़ी के फीचर ऑफर करेगी। और काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी में आपको लग्जूरियस इंटीरियर मिलेगा और जो गाड़ी के लुक्स है काफ़ी बढ़िया है, और फॉर्चुनर से और एंडेवर से तो बहुत ही बढ़िया है ये गाड़ी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे MG की मैक्सेस D90 के बारे में और उसके प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और क्या क्या इस गाड़ी के बारे में खास बातें हैं। तो इस वीडियो को आप सब देखते रहे MG की 7 सीटर SUV के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कारवर्सल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जैसे कि जो MG है वो एक नया कार ब्रांड है जो कि इंडिया में पिछले साल या फिर 2019 में आया था और काफ़ी बढ़िया इंडिया में बिक रहा है। काफ़ी लोग इनकी गाड़ियाँ इंडिया में पसंद कर रहे हैं और अभी कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ ही महीनों में MG अपनी एक नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च करेंगे, जो कि MG की एक 7 सीटर एक प्रीमियम SUV होने वाली है इंडिया में, और जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चाइना में मैक्सेस D90 आती है उसी का एक रीबैच वर्जन होने वाला है। और बाकी अगर आपको इस गाड़ी को ऑफिशियली देखना है तो आप ऑटो एक्सपो पे जाके इस गाड़ी को देख सकते हैं, वहाँ पे MG इस गाड़ी को ऑफिशियली शोकेस कर देंगे। तो जो MG मैक्सेस D90 होने वाली है वो मैक्सेस एक चाइनीज़ का ब्रांड है, और जो D90 है उनकी एक 7 सीटर एक अल्ट्रा प्रीमियम SUV है, और उसी का थोड़ा बहुत रीबैच करके MG इंडिया में लॉन्च करेंगे अपने नाम से, जैसे कि उन्होंने हेक्टर के साथ किया था। और काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है क्योंकि इससे गाड़ी की R&D कॉस्टिंग काफ़ी कम रहती है और बाकी काफ़ी कम प्राइस में MG काफ़ी बढ़िया गाड़ी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में आपको इंडिया में एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि होने वाला है 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जिसमें आपको 224 हॉर्स पावर मिलेगी और 360 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। और ये जो पावर है आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसके सेगमेंट की सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसके सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी देखें वो है फोर्ड की एंडेवर, और उसमें भी आपको 200 हॉर्स पावर ही मिलती है मैक्सिमम, तो इसमें आपको उससे कई ज़्यादा हॉर्स पावर आपको मिलती है। इस गाड़ी के अगर आप डायमेंशन कंपेयर करें तो आपको सबसे बड़े मिलने वाले हैं इसके सेगमेंट में। इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 300 mm ज़्यादा इसकी लेंथ मिलेगी। अगर आप इसे फॉर्चुनर से कंपेयर करें, इस गाड़ी की जो वेट है ऑलमोस्ट आपको 80 mm ज़्यादा मिलेगी अगर आप उसे फॉर्चुनर से कंपेयर करें, और बाकी इस गाड़ी की जो हाइट है आपको 50 mm ज़्यादा मिलेगी अगर आप उसे फॉर्चुनर से कंपेयर करें। तो अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी होने वाली है ये इंडिया में, और ऑलमोस्ट आपको BMW की जो X7 आती है या फिर X5 आती है उसकी जितनी आपको गाड़ी मिलेगी। इस गाड़ी के अगर आप लुक्स देखें तो काफ़ी बढ़िया है और मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट की काफ़ी बढ़िया दिखने वाली गाड़ियों में से एक है। इस गाड़ी में अगर आप फ्रंट में देखें इसमें तो आपको इसमें काफ़ी बड़ी आपको ऑक्टागनल ग्रिल मिलती है, जो कि पूरी ही क्रोम में फिनिश्ड है, और उसमें आपको बीच में एक बड़ा सा MG का लोगो मिलेगा। इस गाड़ी के साइड में आपको इसमें लेज़र हेडलाइट्स मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाली है, और पूरा ही उसमें आपको LED का फंक्शन मिलेगा। और फ्रंट से इस गाड़ी में आपको काफ़ी स्ट्रेट सी और काफ़ी एकदम SUV जैसी लुक्स आपको मिलती है और काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखें तो साइड में इस गाड़ी में आपको 21 इंच तक के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी बड़े होने वाले हैं, और बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में आपको ऐसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर MG इस गाड़ी में अगर 35 लाख के प्राइस तक में ये फीचर ऑफर कर रही है तो काफ़ी बढ़िया बात है उनके लिए। इस गाड़ी के अगर आप विंडो पैनल्स देखें तो आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं और एकदम स्ट्रेट से आपको मिलते हैं, और जो इसके विंडो आर्चेस वगैरह भी है काफ़ी आपको स्ट्रेट सी मिलती है, और जो रूफ लाइन है वो भी आपको एकदम सीधी मिलती है, जिससे एकदम SUV जैसी लुक्स इस गाड़ी को मिलती है। और पीछे भी इस गाड़ी में आपको काफ़ी आपको स्ट्रेट सी और बॉक्सी सी आपको लुक मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है और काफ़ी इस गाड़ी को बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है। अगर आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी आपको लग्जूरियस इंटीरियर मिलेगा, जो कि बेस्ट होने वाला है इसके सेगमेंट में। इस गाड़ी में आपको फुली आपको नापा लेदर फुल सी मिलेगी या फिर आपको नापा लेदर की आपको सीट्स मिलेगी, जो कि एकदम हाईएस्ट क्वालिटी लेदर होता है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इस गाड़ी के अगर आप डैशबोर्ड देखें तो इसमें आपको एक तो वेनीर भी आपको स्ट्रिप मिलती है बीच में, जो वुडन स्ट्रिप होती है, जैसे कि आपको बेंटलीज में या फिर आपको मर्सिडीज़ की S-क्लास जैसी गाड़ियों में मिलती है। और बाकी इस गाड़ी में आपको डुअल टोन आपको इंटीरियर मिलता है, जिसमें इस गाड़ी की सीट्स में आपको अलग कलर मिलेगा और बाकी इसके अपर वाले पार्ट्स में आपको अलग कलर मिलेगा। इस गाड़ी का अगर आप डैशबोर्ड देखें तो उसमें आपको काफ़ी बड़ा आपको ऑलमोस्ट 10 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि फ्लोटिंग टाइप होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगेगा, और एकदम इस गाड़ी को जो BMW की X5 जैसा इंटीरियर है वैसी लुक प्रोवाइड करेगा।
और बाकी इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी बड़ी आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बाकी इस गाड़ी में आपको 3-Zone AC मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक फीचर है। तो अगर आपके को पैसेंजर्स को भी अलग टेम्परेचर सेट करना है अपने हिसाब से तो वो कर सकते हैं। और बाकी इस गाड़ी में अगर आप इसके सेकेंड रो ऑफ सीट्स में आए तो उसमें आपको आपको AC वेंट्स मिलते हैं, और वो भी आपको फोल्डेबल सीट्स मिलती है और मूवेबल मिलती है। और अगर आपको उसकी थर्ड रो ऑफ सीट में जाना है तो आपको सेकेंड रो ऑफ सीट को बस एक बटन से प्रेस करना है और अपने आप ही वो सीट फोल्ड होगी और अपने आप जा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि अब आपको ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में मिलती है इसके सेगमेंट में, तो वो तो काफ़ी बढ़िया एक फीचर नहीं है। इसमें आपको 4-Wheel Drive सिस्टम मिलता है, जिससे आप आसानी से इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और बाकी इस गाड़ी में आपको 7 Driving Modes मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट वाला, ऑफ रोडिंग वाला, उसके बाद सैंड वाला, ड्यून्स वाला, जिससे आप इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग तो काफ़ी बढ़िया कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप इस गाड़ी में जो है आप जो ड्राइविंग प्लेजर है वो भी काफ़ी ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। इस गाड़ी की जो दोनों फ्रंट की सीट्स है उसमें आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है, जिससे काफ़ी इस गाड़ी में लग्जूरियसनेस बढ़ती है। और बाकी कई कई कंट्रीज़ में तो मैक्सेस इस गाड़ी में जो है मसाजिंग फंक्शन भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो अभी कन्फर्म नहीं है कि वो इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा। और बाकी अगर आप इस गाड़ी के थोड़े बहुत और प्रैक्टिकल फीचर्स में देखें तो इस गाड़ी में आपको 210 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर में मिलती है। तो उससे काफ़ी बढ़िया रहेगी इंडिया में गाड़ी, क्योंकि इंडिया में अगर आपको इसके खड्डों पे लेके जाना है तो आप आसानी से लेके जा सकते हैं इस गाड़ी को। और बाकी इस गाड़ी में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, आपको 7 सीट्स मिलती है, तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी रहने वाली है आपके लिए। और इस गाड़ी का जो मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है इंडिया में वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर से, फोर्ड की एंडेवर से, महिंद्रा की एल्टुरस से, स्कोडा की कोडियाक से, इसुजू की MUX से, और अगर आप दूसरी गाड़ी देखें इसके सेगमेंट की, हाँ यही सब है। और बाकी इस गाड़ी का जो प्राइस होने वाला है इंडिया में, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अराउंड 28 लाख रुपए से लेके अराउंड 35-36 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया का होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्राइस है। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 1-1 रुपये जो आप इस गाड़ी पर स्पेंड कर रहे हैं वो टोटली वर्थ इट है, और बेशक आपको इस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए जब ये इंडिया में लॉन्च होगी। और बाकी अगर आप इसका लॉन्च देखें तो इंडिया में सेकेंड हाफ के बाद ही होगा इसका लॉन्च, मतलब आप कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त के आसपास इस गाड़ी का लॉन्च होगा इंडिया में। और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, और इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। और बाकी फिर आप कमेंट्स में मुझे लेके बताएगा कि क्या आपको MG की मैक्सेस G90 बढ़िया गाड़ी लग रही है, और क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे जब इंडिया में लॉन्च होगी। और थैंक यू आप सबको ये वीडियो देखने के लिए।